बहुत धन्यवाद सर, मैंने अपनी मातृभाषा में अपना विषय रखने के लिए अनुमति ली है। सर, भारत में भारतीय गोरखा समुदाय का 1.5 करोड़ भारतीय नागरिक छन, जिसको मातृभाषा नेपाली अथवा गोरखाली हो। संविधान को 8 अनुसूची में नेपाली भाषालाई भारत का समृद्ध राष्ट्रीय भाषा मध्य में एक को रूप में मान्यता प्राप्त पनि छ। तर इस गौरवशाली भाषा को संरक्षण र प्रचार प्रसार को दिशा में ठोस प्रयास भइरहेको छैन। संविधान को 8 अनुसूची में अंतर्भुक्त हरेक प्रमुख भारतीय भाषा को आफ्नो आफ्नै भाषा कार्यक्रम समर्पित दूरदर्शन चैनल द्वारा प्रसारित गरिन्छ। तर गोरखा भाषा अहिलेसम्म ओजालामै परिरहेको छ। राष्ट्रीय मंच को अभाव को कारण गोरखा समुदाय को मातृभाषा को प्रचार प्रसार बाधित भइरहेको छ। अनि यसले गर्दाखेरि आज धेरै भारतीय जति पनि भाषाहरू छ त्यसको संस्कृति अघि बढिरहेको छ, तर गोरखा भाषा र संस्कृति भने बचाउन हामीलाई गाडी परिरहेको छ। दार्जिलिङ, खरसाङ अनि कालिम्पोङ गोरखा भाषा का कार्यक्रम को निर्माण को लागि आवश्यक पूर्णधार कलाकार एवं दर्शकहरू पहिलेदेखि नै छन्। तसर्थात म भारत सरकारसँग गोरखा समुदायका लागि दिदी गोरखा भाषा चैनल को स्थापना का लागि शीघ्रता प्रदान करने अनुरोध गर्दछु। और सर, एक विषय और हिंदी में रखना चाहूँगा। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल जो है 10 रुपये महंगा है सर, जितने भी एनडीए या बीजेपी की सरकार है उसके मुकाबले 10 रुपये महंगा है। और मुझे हैरानी होती है कि टीएमसी के सांसद यहाँ व्हील में खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ सर, इससे बड़ा और जटिल विषय पश्चिम बंगाल के लिए ये है कि पश्चिम बंगाल में पोस्ट ऑयल वायलेंस आज भी लागू है। 1.5 करोड़ से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ, पश्चिम बंगाल में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर पहले चर्चा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।